जनपद अल्मोड़ा में बड़े ही धूमधाम से तीज पर्व मनाया गया। बता दें कि भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन की खुशी में मनाए जाने वाला तीज पर्व महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है। बता दें कि जो विशेष रूप से उत्तर भारत, नेपाल और कुछ अन्य हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है, इसके तहत ही अल्मोड़ा हेरिटेज में भी महिलाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी महिलाएं हरे वस्त्र के परिधान में सज कर झूले में झूलती हुई नजर आईं। महिलाओं ने कहा कि इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, जिसे निर्जला व्रत कहा जाता है, जिसमें वो पानी भी नहीं पीती। जानकारी के अनुसार यह पर्व महिलाओं के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें अपने मित्रों और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर प्रदान करता है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। तीज का त्यौहार जो है वह शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और आज के दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं, हरे भरे जो है श्रृंगार वाले पूरे 16 श्रृंगार में सजती हैं और अपने पतियों के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो आज हमने भी हेरिटेज में एक छोटा सा आयोजन किया है, जिसमें हम सारी महिलाएं आज नाच रहे हैं, गा रहे हैं और तीज का उत्सव मना रहे हैं। तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीज का त्यौहार हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरतालिका तीज ये सावन के महीने में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते हैं इसको। और तीज को, हरतालिका तीज को सुहागिन स्त्रियां और कन्याएं इसका व्रत रखती हैं, इसमें पूजन करती हैं। शिव पार्वती की पूजा होती है, गौरी गणेश की पूजा होती है। इसका व्रत थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका व्रत बहुत सौभाग्यशाली होता है। और इसके व्रत जो भी स्त्रियां कन्याएं रखती हैं, वो करवा चौथ से भी कठिन इसका व्रत है, क्योंकि करवा चौथ में एक बार चंद्रमा की पूजा करते हैं, उसके बाद व्रत खोल सकते हैं, लेकिन इसमें हम पूरी रात व्रत रखते हैं, उसके बाद अगले दिन इसका व्रत खुलता है। और उसके बाद जहां भी इसको जो भी स्त्रियां पूरे लाइफ अपने रखती हैं इसका व्रत, वो पूरी लाइफ सदा सुहागन रहती हैं और शिवलोक को प्राप्त करती हैं।